आपने अभी जिक्र किया कोरोना की वजह से फिनंशली हालात जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं इधारों के इससे पहले की अगर हम बात को देखें जो इससे पहले आपके हालात चल रहे थे इस वास्ते ये पता चलता है कि इससे पहले हालात ठीक थे, थे कोरोना से पहले उस पीरियड के अंदर आपने अपने इदारे को चलाया थोड़ी सी चूंकि इदारे के पर हम आपके अलग से जो तो है वो सवाल इनशाला करके उसको डिस्कस करते हैं लेकिन दरमियान में एक बात मेरे जहन में आ गई तो जब वो नॉर्मल पीरियड था जिसके अंदर आपको ये इस किस्म की प्रॉब्लम नहीं आ रही थी उस दौरान आपने क्या अपने इदारे के तौर पे कोई खास हैं नादार बच्चे हैं उनके लिए कोई सेटअप या कोई पैकेज वगैरह बनाया हुआ है देखिए जी मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं फैसी इसलिए नहीं कर सका था कि अफोर्ड नहीं कर सकने की वजह से तो ये इदारा जो है अफोर्ड ना करने वाले अच्छे बच्चों के लिए तो स्पेशली है आठफन बच्चों के लिए है आठफन बच्चों से हम फीस के ऊपर बारगेन नहीं करते ठीक है अलहमद लाख कैदाद में स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज है जिसमें तकरीबन वन फिफ्टी के करीब बच्चे हैं जो फ़्री ऑफ कॉस्ट अपनी तलीम हासिल कर रहे हैं और इसके अलावा भी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हायर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनको भी हम उन उनके आगे के अखराज जो हैं वो अफोर्ड कर रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं अपने हिस्से का दिया जलाने की हंड्रेड परसेंट तो शायद फिर भी कुछ कहीं ना कहीं कमी रह जाती होगी लेकिन आ, इन बच्चों के लिए चूँकि हम भी उन्हीं तरह के बच्चों में से उठे हुए हैं हाँ एक मैं बात बताता चलूँ कि स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज इसका बहुत मतलब फाइनेंशली स्ट्रॉग इदारा है हायर सेकेंडरी स्कूल है ये कैदाबाद का जिसमें बैक वक्त प्ले ग्रुप से लेकर एफएससी तक तमाम क्लासेस चल रही हैं इस वक्त तक कैदाबाद शहर के अंदर कोई और ऐसा इदारा नहीं है तो लेकिन ऐसा नहीं है कि ये किसी आ, पैसे वाले बंदे का हो मैं मेरे वाले साहब मज़दूर थे वाले वालद टीचर थी वाले साहब मज़दूर थे और आ, फिर कोई जायदाद भी नहीं है कोई ज़मीन नहीं है कोई मकान नहीं ये बस ये वालदे की तरफ़ से मिला हुआ मकान है तो अलहमदिल्लाहमद्ला ज़ीरो से स्टार्ट किया हुआ इदारा है इसके ऊपर जो कुछ भी अब ये अदारा नज़र आ रहा है ये इसी इदारे से निकल कर इस इदारे पर लगा हुआ है अलहमद तो अल्लाह पाक का काम है अगर हम आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे ना अल्लाह की मखलूक के लिए अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा अल्लाह हमारी जिम्मेदारी बढ़ाता जाएगा फिर वो जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी तो फिर आपके काम शायद बढ़ते जाएगा कुछ प्राइवेट स्कूल्स के बारे में जब भी बात की, की जाती है ना तो उसकी क्रेडिबिलिटी या वो कितना अच्छा है मतलब मैंने कह दिया मेरे पास तकरीबन 150 बच्चे जो हैं वो फ्री पढ़ रहे हैं ऐसा भी कोई इदारा हो सकता है जो मेरी तरह के फीस पैटर्न हो वो एक बच्चा भी फ्री ना पढ़ा रहा हो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो अच्छा नहीं है और मैं अच्छा हूं ये नहीं है प्राइवेट स्कूल सिस्टम्स जो हैं ये जो हमारे पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं स्पेशली जिनके पास मैक्सिमम तादाद है तकरीबन 50 परसेंट के करीब बच्चे जो हैं ये प्राइवेट स्कूल्स के ना पढ़ रहे हैं और हमारी तरह के प्राइवेट स्कूल्स के ना पढ़ रहे हैं शहरों वाले वो जो बहुत हाई फाई जनरी के लिए हैं स्कूल वो तो एलिट स्कूल जो हैं वो तो ऑटो में नमक के बराबर हैं वो तो फाइव टू टेन होंगे इससे ज़्यादा उनकी तादाद नहीं है उनके पास जाने वाले बच्चों की तादाद भी ज़्यादा नहीं है ये जितने मिडिल क्लास स्कूल हैं ये दरहकत हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम पर एहसान कर रहे हैं कैसे कि पाकिस्तान के आइन में दर्ज है कि सोलह साल तक के बच्चे की तालीमी जिम्मेदारी वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद करने की पाबंद है क्योंकि तो हम सब टैक्स पेयर हैं हम जब टैक्स पे करते हैं हमारे बच्चों की 16 साल की उम्र तक की एजुकेशन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है अब आप देख लें आप अपने इलाके में देख लें कि क्या ये जितने प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे निकाल के गवर्नमेंट के पास डाल दिए जाएं तो क्या गवर्नमेंट कैपेबल है इतनी उसके पास स्पेस है कि वो इन सबको पढ़ा सके हरगिज नहीं है दूसरी बात क्या है कि जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में पर स्टूडेंट आज से तीन साल पहले की बात है अब तो इसमें और भी इजाफा हो चुका होगा पर स्टूडेंट अब किसी भी स्कूल का पूरा उसके जो एक्सपेंसिस हैं हालांकि उनकी बिल्डिंग फ्री है उनके बाकी सारे मामला फ्री हैं उनको सिर्फ बिजली का बिल देना है जो रनिंग एक्सपेंसिस है वो देने हैं और टीचर की सैलरीज देनी है आप टीचर की सैलरीज और रनिंग एक्सपेंसिस ये निकाल लेंगे तो आप देखेंगे कि पर स्टूडेंट आज से तीन साल पहले थ्री थाउजेंड टू ट्वेल्व थाउजेंड तक कास्ट पड़ रही थी गवर्नमेंट को गवर्नमेंट जो है पे कर रही है जब उनके टीचर्स को पे कर रही है इट्स मीन के इनडायरेक्टली वो बच्चों को ही पे कर रही है तो गवर्नमेंट जो है पर स्टूडेंट थ्री थाउजेंड टू ट्वेल्व थाउजेंड किसी किसी जगह पर ट्वेल्व थाउजेंड तक भी है तो वो जो गवर्नमेंट का एक्सपेंस है वो गवर्नमेंट का एक्सपेंस कौन शेयर कर, कर रहे हैं ये प्राइवेट स्कूल सिस्टम शेयर कर रहे हैं जिसमें वो जो वालदेन है कोई ऐसा स्कूल भी है जो पांच सौ रुपए फीस भी ले रहा है हमारे इलाकों के अंदर कोई हजार रुपए फीस ले रहा है कोई दो हजार ले रहा है तीन हजार ले रहा है चार हजार ले रहा है

जो प्राइवेट स्कूल सिस्टम है जो अपनी जो मुकर करदा फीस है उसके अंदर एक रुपए की कंसेशन भी ना करे वो फिर भी इस पाकिस्तानी कौम के ऊपर अपने इलाके के ऊपर वो एहसान ही कर रहा है आपने पूछा ना कि आपने क्या काम किया है प्राइवेट स्कूल बनाना अपने बच्चों की तलीम और तरबियत करना और उसके लिए इलाके में कम्पिटिशन की फिजा पैदा करना जब मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल जो की जो इंटर की क्लासेज हैं टू में मैंने लॉन्च की थी 2015 में गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा यहाँ कैदाबाद में इंटर की क्लासेस कोई भी नहीं लगा रहा था और लाजिम बात है जब कंपटीशन नहीं होगा मुनापली होगी तो बच्चों को लॉस होगा और बच्चों को अच्छी तालीम हासिल करने के लिए कैदाबाद से बाहर जाना पड़ता था अलहमद में हमने स्टार्ट किया कंपटीशन कैदाबाद में फिर उसके बाद पंजाब कॉलेज जो कॉलेज भी आ गए यकीन जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना आवाम का फायदा होगा तो ये तमाम इदारे एजुकेशन इदारे जो हैं ये आ, हमारे मुल्क कौम के ऊपर इनका एहसान है अब अगली बात दोबारा पूछेंगे अब इसी बात से मैं और बात बात निकली है आप कह रहे हैं कि एहसान कर रहे हैं ये आपको क्यों कहना पड़ रहा है कि भाई हम एहसान कर रहे हैं कोई मतलब आपको ये बात सुनने को मिलती है कि भाई आप एहसान नहीं कर रहे या आपकी कदर नहीं की जाती या आपके कोई मुखालफत के अंदर कोई ऐसा प्रोपागेंडा या कोई ऐसा निसाब चल रहा है या कोई ऐसी तहरीक चल रही है जिस तरह के मतलब उसके जवाब के अंदर ये आपको बात बाबर कराना पड़ रही है तो इसकी वजह क्या है कि कौन सा वो पीछे फैक्टर है जिसके बुनियाद पे आपको ये बात बाबर खान पढ़ रही है कि मैं फिलहाल इस वक्त तो फैक्टर आपका क्वेश्चन था कि चूंकि आपने क्वेश्चन किया था कि क्या आपके पास फ्री बच्चे पढ़ रहे हैं क्योंकि एक आम आवाम का तर्ज फिक्र ऐसा ही है कि वो समझते हैं कि कोई अगर किसी को फ्री पढ़ाए तो तब वो अच्छा काम कर रहा है ठीक है जी तो मैंने इस के जवाब में दिया है कि अगर फ्री ना पढ़ाए अगर कोई कारोबारी है वो अपना कारोबार मेरिट पर करे ठीक है जी नाप तोल में कमी ना करे बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करे तो वो भी माशरे में एक अच्छा किरदार अदा कर रहा है वो, वो इसी तरीके से प्राइवेट स्कूल सिस्टम्स भी जो हैं वो माशरे में तामीरी और मुस्बित किरदार अदा कर रहे हैं तो रह गई बात कि इसके अलावा इसके अलावा बात कभी कबार आ जाती है कभी जिसमें छुट्टियों की फ़ीस के मामला और इस किस्म के मामला होते हैं उस वक्त कोई अगर एक बड़े इदारों की तरफ से बात आ जाती है वो वो फिर नेगेटिव कम्प्लन शुरू होती है कि प्राइवेट स्कूल वाले माफिया हैं या इस किस्म की बातें आती हैं लेकिन वो बातें मेरे ख्याल में बिल आखिर आवाम आवाम जो समझदार तबका है वो ऐसी बात नहीं करता तो इसमें एक बात और जहन में ये आ रही है कि आप जैसे फरमा रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है उसकी ज़िम्मेदारी है और वो ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रही तो आपके नज़दीक इसका सलूशन ये है कि गवर्नमेंट इस जिम्मेदारी से पीछे हट जाए और प्राइवेट स्कूलों वालों को ये मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदारी उठाने दे या वो खुद इस चीज़ के अंदर कुछ तब्दीली लेके आए उसमें अपने कोई ऐसी पॉलिसी चेंज करे आप उनको पॉलिसी चेंज करने का मशवरा देंगे या उनसे जिम्मेदारी खुद लेने का उनको कहेंगे कि ये जिम्मेदारी हमें दे दो नहीं दोनों बातें नहीं कहूँगा वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल है कि नियर फ्यूचर में इतना बड़ा बोझ उठाने के काबिल हो सकती है आपको अपने मुल्क पाकिस्तान के हालात का पता है फाइनेंशियल मामला का पता है अगर हम ये कहें कि तमाम प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों को गवर्नमेंट ऑन कर ले इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम और दूसरी बात है जैसे मैंने कंपटीशन की बात की थी प्राइवेट सेक्टर अगर है तो एक कंपटीशन मौजूद है प्राइवेट गवर्नमेंट के अंदर ठीक है अगर ये निकल जाएंगे चूंकि प्राइवेट में फिर हर एक इंडिविजुअल है वो फिर आप इसमें मुकाबले की वजह से ओवरऑल फिर मुआरे का फायदा हो रहा है तो अगर आप इसमें से किसी एक को निकाल देंगे और एक को रहने देंगे तो कंपटीशन में आप कमी करने लगे तो मेरे ख्याल में इसी तरह ही ठीक है हाँ ये देखा जाए कि प्राइवेट स्कूल्स की को अगर गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर सके उनको फैसिलिटेशन जैसे एक मुल्क है श्रीलंका वहाँ पर अगर कोई बंदा किसी कश्ती के अंदर भी कश्ती में भी अगर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है पाँच दस पंद्रह बच्चों को पढ़ाना चाहता है और उस स्कूल को रजिस्टर्ड कराना चाहता है तो उसको वो कश्ती भी रजिस्टर्ड हो जाती है हमारे यहाँ थोड़ा सा इस इन मामलों के अंदर सख्ती बरती जाती है तो जो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर पढ़ाना चाहते हैं या प्राइवेट स्कूल बनाना चाहते हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए और उनकी मजबूरियों को भी समझा जाए कई टैक्सी ऐसे हैं जो बेजा टैक्सीज लगाए जाते हैं मामला हैं कई परेशानियां हैं उनको कम किया जाए उनको ख़त्म किया जाए और जैसे गवर्नमेंट इस वक्त काम भी कर रही है जो ये लो फी स्कूल्स हैं बिलो फाइव थाउजेंड इनको वेलफेयर ऑर्गेनइजेशन का दर्जा दे रही है ये कम करना चाहिए गवर्नमेंट को क्योंकि ये वाकई अगर जो ये हालात गुजरे हैं और जो फाइनेंशियल हालात इस वक्त चल रहे हैं अगर प्राइवेट तबका प्राइवेट स्कूल्स का जो ये सिस्टम्स हैं इनको बकअप नहीं किया जाएगा इनको थोड़ी थपकी नहीं दी जाएगी इनको तसली नहीं दी जाएगी तो ये बिल आखिर ये क्लेप्स ना हो जाए कहीं तो इनको थोड़ी सी थपकी की ज़रूरत है Apreciação de Grover.